नेनुआ की सब्ज़ी चल रही हूँ बनाने, और ये तड़के में हमने लहसुन, हरी मिर्च और मेथी डाल दिया है, और बोड़ा की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, मतलब बीन्स। ये देखिए, बीन्स की भी सब्ज़ी बनाऊंगी और बनाऊंगी रोटी। आज डिनर में यही बन रहा है। नेनुआ की सब्ज़ी बच्चों लोगों को नहीं पसंद आएगी। एक सब्जी मैंने छौंक दिया है और दूसरी सब्जी मैं काट रही हूँ। बोड़ा, आलू काटूंगी। जब तक वो सब्जी बनेगी तब तक ये सब्जी भी काट कर तैयार कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो ये शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं, है ना राज? तो 7:30 बज रहे हैं और किचन में मैं खाना बना रही हूँ, और आज खाने में बना रही हूँ रोटी सब्जी। और सब्जी में दो तरीके, और दोस्तों सब्जी हमारा नेनुआ का बन चुका है, और बोड़े की सब्जी अभी मुझे छौंकना है, और मैं रोटी बना करके रख ले रही हूँ और पराठे बना रही हूँ। तो बस वही थोड़ा सा बेल दे रही हूँ, देख लीजिए इस तरीके से मैं पराठे बनाती हूँ। गर्मी का सीज़न है दोस्तों, तो फटाफट खाना जब तैयार हो जाता है तो अच्छा भी रहता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कुछ दिमाग भी काम नहीं करता कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ कैसी ना बनाऊँ। जैसी भी बन जा रही है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग देख लिया करिए। बस आप लोगों के लिए ही थोड़ा मैं गैपिंग नहीं कर पाती कि चलो आप लोग देख रहे हैं तो मैं वीडियो रोज़ बनाती हूँ, इसी वजह से कि आप लोग भी देखा करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये नेक्स्ट दिन है, सुबह है, और ये दीपांश वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम जो है, बादल छाए हुए थे। और यहाँ पे दोस्तों दोपहर का समय है, हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और ये देखिए, पता नहीं कैसे आवाज़ म्यूट हो गया और मैं कुछ बोले जा रही हूँ, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और हेलो हाय बोल रही थी। और यहाँ देखिए, हमारी टीवी की जो है सिग्नल चली गई थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सिग्नल इस वजह से चली गई थी कि एक महीने पहले बंदर आए थे हमारे छत पर, तो पूरा एंटीना जो है हिला कर चले गए थे, मोड़ ओढ़ कर भी चले गए थे। तो तब से टीवी हमारा बंद पड़ा था, तो बच्चों को देखने का मन हो रहा था टीवी। तो शिवांश गया था छत पर सेट करने के लिए, लेकिन सेट नहीं हो पा रहा था,
और यहाँ मैं दीपांश को दिखा रही हूँ कि हाय कर दो, तो वो हाय। और यहाँ पे दीपांश समोसा लेकर आया है, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, करीब 5 बज रहे हैं और अभी हमने झाड़ू लगा दिया है शाम का और चाय बनाने जा रही थी। बस सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी, जो मेरे मन में था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो दोस्तों मैं इस बीच जो वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हूँ। और आप लोग समझिएगा मैं हाउसवाइफ हूँ, घर में जो सारा काम रहता है दोस्तों वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या बनाती हूँ, बस आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस वही है दोस्तों। और कुछ लोग, कुछ भाई बहन मुझे सुझाव भी देते हैं कि दीदी थोड़ा नयापन लाइए चैनल में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या नया लाऊं। अगर आप लोगों के सुझाव में कोई होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरा तो दिमाग चलना ही बंद कर दिया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ अपने चैनल में, क्या ना करूँ। भगवान मेरी पता नहीं कितना परीक्षा ले रहे हैं, शायद ऊपर वाले कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए कि वो तो भगवान ही जाने, लेकिन मैं पूरे ईमानदारी से और सच्चाई से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, और दिल लगाकर वीडियो बनाती हूँ। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है मुझे एडिटिंग करते हुए, और करीब सिर में दर्द भी होने लगता है मोबाइल जब मैं ज़्यादा देखती हूँ, ज़्यादा बनाती हूँ। तो आप लोग समझिएगा मैं जो बोलना चाह रही हूँ। अगर मैं वीडियो में कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ नयापन, तो आप लोग समझिएगा बहुत जल्दी मैं अच्छी अच्छी ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। हम लोगों का कहीं जाने का प्लानिंग भी बन रहा है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ का भी वीडियो अच्छी अच्छी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी निकलेगा, हाँ हम लोगों का प्लान बनेगा तो जैसे ही बन जाएगा तैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं सरप्राइज देंगे। दीपांश यहाँ बैठा है, उधर जाके खाओ। तो बस यही बातें हैं दोस्तों, दीपांश समोसा लेने गया था तो ही लेकर आया है और खा रहा है, तो ही मैं बोल रही कि उधर जाके खाओ। तो बस यही है दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मैं अपने चैनल में नया करूं, ब्लॉग ही रहे, उस ब्लॉग में कुछ नया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ मुझे अच्छा लगेगा तो वो चीज़ मैं ज़रूर करूँगी। और वैसे तो हमारा यही काम होता है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं समझती हूँ आप लोग बोर हो रहे होंगे रोज़ रोज़ यही देखने के लिए, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा जब मैं बाहर निकलूँगी ना, आप लोग समझिएगा अभी लॉकडाउन है तो थोड़ा आना जाना बाहर भी कम रहता है, जब मैं बाहर निकलूंगी तो वहाँ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कहीं आऊँगी या जाऊँगी तो वहाँ की भी वीडियो शेयर करूंगी। तो बस ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट देते रहिएगा, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है आप लोग मुझे जब सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं सोचने भी लगती हूँ कि क्या करूँ वीडियो में कि कुछ नया आए आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी और अच्छा करूँगी। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही बने रहेगा तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। बस आप लोगों का
ऐसे ही सहयोग रहे। तो बस अब चलते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। अब कल से एक नई वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे। आज शाम हो चुकी है, अब ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, ज़्यादा नेट भी लगने लगता है, इससे बड़ा वीडियो हो जाता है। तो बहुत बड़ा वीडियो बनाने का मतलब कुछ भी नहीं है, जो बनाएं जो आप लोग देख लें उतना ही बड़ा मैं बनाती हूँ। अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इतना ख्याल रखिएगा, यहाँ पास देखिए भाग गया वो। बाय 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 बाय।